हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स की ASCII वैल्यू का सम कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से कैरेक्टर str 20। उसके बाद मैं clr/scr लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं getch लिख देता हूँ। अभी जो स्ट्रिंग हमने ऊपर डिक्लेयर की है वो हमें यूजर के पास से लेनी है, तो उसके लिए हमें स्कैनफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे परसेंटेज इन द स्क्वायर ब्रैकेट कैरेट स्लैश एन और str, यानी कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट हमें मल्टी वर्ड स्ट्रिंग रीड करके देगा जो कि getsstr के इक्विवेलेंट कोड है। अभी स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर अ स्ट्रिंग। अभी हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि स्ट्रिंग की वैल्यू कंप्यूटर है, यानी कि हमें इसके सारे कैरेक्टर्स की ASCII वैल्यू फाइंड करके उसका सम फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें उसके वन बाय वन कैरेक्टर को एक्सेस करने जाना पड़ेगा। तो लेट अस से स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर सी है और उसकी ASCII वैल्यू 67 है। स्ट्रिंग का दूसरा कैरेक्टर ओ है और उसकी ASCII वैल्यू 111 है। स्ट्रिंग का तीसरा कैरेक्टर एम है और उसकी ASCII वैल्यू 109 है। स्ट्रिंग का चौथा कैरेक्टर पी है और उसकी ASCII वैल्यू 112 है। स्ट्रिंग का पांचवा कैरेक्टर यू है और उसकी ASCII वैल्यू 117 है। स्ट्रिंग का छठा कैरेक्टर टी है और उसकी ASCII वैल्यू 116 है। स्ट्रिंग का सातवां कैरेक्टर ई है और उसकी ASCII वैल्यू 101 है। स्ट्रिंग का आठवां कैरेक्टर आर है और उसकी ASCII वैल्यू 114 है। और हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम देखा था कि कोई भी स्ट्रिंग हमेशा नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस स्ट्रिंग का लास्ट यानी कि नौवां कैरेक्टर नल कैरेक्टर होगा। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब तक हमें स्ट्रिंग के अंदर नल कैरेक्टर ना मिले तब तक सभी कैरेक्टर्स की ASCII वैल्यू का सम करना है। अभी हम वन बाय वन सभी कैरेक्टर की ASCII वैल्यू का सम करने जाए तो पहला कैरेक्टर एक्सेस कर लेने के बाद हमारे पास सम की वैल्यू 67 होगी। सेकंड कैरेक्टर एक्सेस कर लेने के बाद हमारे पास सम की वैल्यू जो हमारे प्रीवियस वैल्यू थी 67, उसके अंदर हम करंट कैरेक्टर की ASCII वैल्यू यानी कि 111 ऐड करते हैं तो हमें सम के तौर पे 178 मिलता है। उसके बाद थर्ड कैरेक्टर एक्सेस कर लेने के बाद हमारे प्रीवियस सम की वैल्यू 178 थी और उसके अंदर हम 109 ऐड करते हैं तो हमें 287 मिलेगा। फोर्थ कैरेक्टर एक्सेस कर लेने के बाद हमारे पास सम की वैल्यू 287 थी और उसके अंदर हम 112 ऐड करते हैं तो हमें 399 मिलेगा। फिफ्थ कैरेक्टर रीड कर लेने के बाद हमारे पास सम की वैल्यू 399 थी और उसके अंदर 117 ऐड करते हैं तो हमें 516 मिलता है। उसके बाद सिक्स कैरेक्टर रीड कर लेने के बाद हमारे पास सम की वैल्यू 516 थी और उसके अंदर हम 116 ऐड करते हैं तो हमें 632 मिलता है। उसके बाद सेवेंथ कैरेक्टर रीड कर लेने के बाद सम की वैल्यू जो कि 632 थी और उसके अंदर हमने 101 को ऐड किया जो हमें 733 देगा। और उसके बाद एट कैरेक्टर एक्सेस कर लेने के बाद हमारे पास सम की वैल्यू 733 थी और उसके अंदर हम 114 ऐड करते हैं तो हमें 847 मिलता है, यानी कि हमें फाइनल सम की वैल्यू 847 मिलती है और जो हम सभी कैरेक्टर को एक्सेस कर लेने के बाद प्रिंट करवा देंगे। अभी यहाँ पे हम सम को ध्यान से देखें तो हमने और कुछ नहीं किया, लेकिन जो हमारी प्रीवियस सम की वैल्यू थी उसके अंदर जो करंट कैरेक्टर की ASCII वैल्यू है वो ऐड की थी, लेकिन फर्स्ट केस के अंदर हमने ऐसा नहीं किया था। तो उसके लिए भी हम ऐसा कर दे कि हम प्रीवियस सम की वैल्यू को जीरो एज्यूम कर ले और उसके अंदर हम 67 ऐड करें तो भी हमें आउटपुट के तौर पे 67 ही मिलेगा, यानी कि इनिशियली हम सम की वैल्यू जीरो ले ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इसी चीज को हम लॉजिक के तौर पे कन्वर्ट करें तो सबसे पहले हम सम की वैल्यू को जीरो ले लेते हैं, उसके बाद हम जीरो नंबर की इंडेक्स से कैरेक्टर को एक्सेस करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हम i=0 ले लेते हैं। और उसके बाद हम एक वाइल लूप लेते हैं और वाइल लूप के अंदर कंडीशन के तौर पर लिखते हैं कि जब तक हमारी स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर नल कैरेक्टर ना हो तब तक हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है। और लूप के अंदर हम सिंपल सा कोड लिखते हैं कि sum=str(i), यानी कि जो हमारा राइट हैंड वाला सम है वो हमारा पुराना सम है और लेफ्ट हैंड वाला सम है वो हमारा नया सम है।
यानी कि अगर हम इसी चीज को ध्यान से देखें तो इनिशियली हमारे पास सम की वैल्यू जीरो थी और हम उसके अंदर str of i यानी कि अभी i की वैल्यू हम जीरो एज्यूम करें तो str of जीरो की वैल्यू हम उसके अंदर ऐड करते हैं जो हमें 67 देगा और जो भी 67 आता है वो हम फिर से सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। यानी कि जब हम नेक्स्ट टाइम लूप के अंदर आएंगे तब सम की वैल्यू 67 होगी और उसके अंदर हम str of i यानी कि str of 1 को ऐड करेंगे जो कि 111 है जो हमें 178 देगा। यानी कि ये प्रोसेस हम जब तक नल कैरेक्टर ना मिले तब तक रिपीट करते जाएंगे और एक कैरेक्टर को एक्सेस कर लेने के बाद हम आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देते हैं यानी कि सिंपली हम लिख देते हैं आई प्लस प्लस और फिर सभी कैरेक्टर को एक्सेस कर लेने के बाद हम एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं सम ऑफ ASCII वैल्यूज ऑफ ऑल कैरेक्टर्स ऑफ परसेंटेज एस is equals to percentage d और percentage s की वैल्यू हम str से और percentage d की वैल्यू हम sum से replace कर रहे हैं। अभी लूप के अंदर हमने सम और आई नाम के दो वेरिएबल का यूज किया है लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया तो सबसे पहले हम दोनों वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं लेट अस से इंटीजर आई एज वेल एज सम और फिर प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। प्रोग्राम को सेव करने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे कंप्यूटर इंसर्ट कर रहा हूँ और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम ऑफ ASCII वैल्यूज ऑफ ऑल कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर इज इक्वल्स टू 847 जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि अभी अभी हमने कंप्यूटर के सारे कैरेक्टर्स की ASCII वैल्यू का सब फाइंड किया और हमें आउटपुट के तौर पे 847 ही मिल रहा था। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे हेलो वर्ल्ड इंसर्ट कर रहा हूँ और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम ऑफ ASCII वैल्यूज ऑफ ऑल कैरेक्टर्स ऑफ हेलो वर्ल्ड इज इक्वल्स टू 1052 जो कि परफेक्टली सही है पर हेलो वर्ल्ड के सभी कैरेक्टर्स के लिए हमने ASCII वैल्यू का सम मैन्युअली फाइंड नहीं किया पर आप खुद उसका मैन्युअली सम फाइंड करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हो। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम 20 कैरेक्टर तक की किसी भी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स की ASCII वैल्यू का सम फाइंड कर सकते हैं और अगर हमें यही टास्क 20 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर की स्ट्रिंग के लिए करना हो तो हमें डिक्लेरेशन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 50 कैरेक्टर तक की स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स की ASCII वैल्यू का सम फाइंड करना है तो हम डिक्लेरेशन के तौर पे str of 20 की जगह पे str of 50 कर देंगे तो हमारा काम इजीली हो जाएगा। यानी कि सिर्फ एक जगह पे चेंज करने से हम किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स की ASCII वैल्यू का सम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।